ना जाए। आइएगा, आइए साईं नाम को जपना और कहना है हाजी भाई साहब, साउंड वाले बड़े भैया थोड़ी मेहरबानी करके अपने छोटे बच्चे में ना, और एक ही बात कहेंगे क्या, ओ साईं तू 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 साईं साईं तू 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 साईं साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू जय हो। मैं जो कह रहा हूं साईं तू साईं तू साईं क्या है अब सुनिएगा बेटा बेटा, तेरी रहमत का किस्सा अलीशान है, तेरी रहमत का किस्सा अलीशान है, सारे जहां में रुतबा शनोशान है, तेरी रहमत का किस्सा अलीशान है, तेरी रहमत का किस्सा अलीशान है, मेरे सिरड़ी वाले तेरी क्या शान है, मेरे सिरड़ी वाले तेरी क्या शान है, जिसने मांगा है जो वो उसे मिल गया, मेरी रहमत का देखो करम खिल गया, तेरी रहमत का देखो करम खिल गया, जिसको चाहा हमें हमें मिल गया, तेरी रहमत नजर हो गई रूबरू, साईं तू साईं साईं तू साईं तू साईं साईं तू 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 साई तू साई तू साई तू और मेरे साईं ने जिसे अपनी भभूति दे दी उसको बड़ा करम हुआ है। नीम के पत्तों में चल रहा साने सा, आके तेरी भभूति पल रहा है जहां, तू सदाए सदा करे रहमत, तू सदाए सदा करे रहमत, तू सदाए सदा करे रहमत, तुझको देखा अगर तो मिली राहत, तुझको देखा अगर तो मिली राहत, तेरी रहमत रहे सदा बस रूब रू, साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू साईं तू। आई तेरा आया साईं तेरी सिरड़ी में, जीवन तेरा आया साईं तेरी सिरड़ी में, सब कुछ तो नजर आया भगवान नजर आया, बाबा तेरी सिरड़ी में, बाबा तेरा आया बाबा तेरी और मेरे साईं का दरबार सजा हुआ है, सभी विराजमान है, भोले बाबा भी कृष्ण भगवान भी मेरी माता रानी भी
लेकिन लिखने वाला क्या कह रहा है सुनने की बात है। हो राम कृष्ण विष्णु या हो शेरावाली मैया, कृष्ण विष्णु या हो शेरा वाली मैया, कृष्ण विष्णु या शेरा वाली मैया। सब कुछ तो नजर आया, अल्लाह भी नजर आया, बाबा तेरी सिरड़ी में तेरा आया, बाबा तेरी सिरड़ी में। एक दीवाना बाबा के दरबार में जा रहा है और क्या कह रहा है सुनने की बात है। मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। ओ मेरा साईं की गली में आना जाना हो गया, मेरे साईं की गली में आना जाना हो गया, मैं तो दीवाना हो गया, मैं तो दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। एक दीवाना क्या कह रहा है, वैसे तो मुझे मेरे भैया ने मना की थी, ये कह रहे थे कि फिल्मी लैन मत हो, फिल्मी धुन होगी, बाबा के ही बोल होंगे, लेकिन गौर से सुनिए वो दीवाना क्या कह रहा है। दीवाना दीवाने की बात है जी। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, साईं का नाम लिखा रखा है, साईं का नाम लिखा रखा है। चीर के देखो दिल मेरा तो, मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया। और दीवाना क्या कह रहा है, हेलो हेलो, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, साईं बस मोहब्बत नजर चाहिए, दीवाना घर चाहिए, मोहब्बत नजर चाहिए, को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, दुनिया को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, दुनिया को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं, दुनिया को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं। सब कुछ तो नजर आया, अल्लाह भी नजर आया, बाबा तेरी सिरड़ी में
एक बात आज ऐसी कह के जा रहा हूं जो बड़ी सच है और कड़वा होता है सच। मैं कोलम के आ गया हूं, उनकी गलती नहीं मेरी गलती है। आज जितनी मेरी माता बहने बैठी हैं, सबसे पहले कसम खाओ, मैं साईनाथ की कसम खाती हूं। कहो, कुछ गलत नहीं कहूंगा, मैं साईनाथ की कसम खाती हूं, मैं आज के बाद किसी औरत को बांझ नहीं कहूंगी। ये वाकया मेरे भैया ने बाबा फरीद साहब की बात शुरू की थी, आप ही गा रहे थे ना शुरू में। वाकया सुनिए मेरे साईनाथ का, जो कहूंगा सच के सिवा। एक बार की बात है, एक औरत, ये कमी बाबू जी औरतों में ही होती है, मर्दों में नहीं होती। उस औरत के बच्चे नहीं थे, मीठा मीठा। तो एक औरत से क्या करिए, अपने बच्चों को रोक लिए तो बांझ है। अगर अपने छोटे भाई की बात मानो तो कभी आज के बाद औरत को बांझ मत कहना। अगर बांझ है तो मर्द है, क्योंकि औलाद मर्द की किस्मत से है, औरत की किस्मत से रोजगार है। एक बार का वाकया है, वो औरत अपने घर में बैठी रो रही थी, कहीं से एक दरवेश आया। दरवेश समझते हैं, दरवेश यानी कि उस खुदा, उस भगवान का बंदा। उस औरत को देखकर कहने लगा, बहन तू क्यों रो रही है? उसने कहा, मेरी कोई औलाद नहीं है, ये सारी दुनिया मुझे बांझ कहती है। उसने कहा, तुम कौन हो? कहने लगे, मैं उस खुदा का नेक बंदा हूं। उस औरत ने कहा, उस खुदा से पूछना, क्या मेरी किस्मत में औलाद है? उस दरवेश ने उस खुदा के पास गया, उस भगवान के पास गया, जाकर कहा, एक औरत रो रही है, उसके औलाद नहीं, क्या उसकी किस्मत में औलाद है? उस खुदा भगवान ने कहा, उससे कह देना उसकी किस्मत में औलाद नहीं है। कहीं से मेरे साईनाथ आ रहे थे, अपनी मस्ती में बड़े मस्त थे। उस औरत को रोती हुई देखा और कुंडा खड़खाया, कहने लगे, एक रोटी एक बेटा, दो रोटी दो बेटे, तीन रोटी तीन बेटे और चार रोटी। उस औरत ने क्या किया, जितनी घर में रोटी रखी थी उठाकर मेरे साईनाथ को दे दी। मेरे साईनाथ खाते हुए चलने गए, कहने लगे, क्या अपना इरादा नेक है और सबका मालिक एक है। कुछ वक्त गुजरा, उस औरत के घर में, हेलो क्या नाम है तेरा? मनीष। मनीष, वैसे आंखें बड़ी खतरनाक है तेरी। इधर मनीष खेल रहा है, इधर रिंकू खेल रहा, उधर दीपिका बैठी, उधर मुनिका बैठी, उधर वंश बैठा, उधर अजीका बैठी, ऐसे ही नाम है आजकल। वो दरवेश फिर आया, उसने कहा, ये बच्चे किसके हैं? उस औरत ने अपना सीना टोक कर कहा, ये बच्चे मेरे हैं। उस दरवेश ने जाकर उस खुदा भगवान से कहा कि उस औरत को तुमने कहा था उसके घर में बच्चे नहीं होंगे, ये क्या हुआ? तो उस खुदा भगवान ने कहा, एक काम कर, ये कटोरा ले अली भाई, और जिसमें इंसान का मांस ला, क्या ला? मेरे पास आया, मैंने इनके बजाने वालों की तरफ वो कर दिया, इनको चार पांच छह पैसे ले ले थोड़ा थोड़ा। इन्होंने साउंड वालों की तरफ कर दिया, किसी ने नहीं दिया, खाली चला गया। उस खुदा भगवान ने कहा, एक काम कर, एक फकीर बैठा है, इसे भी देख ले। मेरे साईं के पास गया, बाबा ने क्या किया, चाकू उठाया, जगह जगह से काट कर उस कटोरे को भर दिया। वो दरवेश कहने लगा, बाबा ये क्या कर रहे हो? इनको तुझे क्या पता, जहां का मेरे खुदा को मेरे भगवान को पसंद होगा वहां का ले लेगा। उसने भर कर दे दिया। वो खुदा भगवान कहने लगा, ये बच्चे मैंने नहीं दिए, ये बच्चे उसने दिए जिसने कटोरा भर कर दे दिया। तू भी तो मेरा बंदा था, तू भी तो कटोरा भर सकता था। मेरे बाबा ने कुछ ऐसा कहा और कहा, क्या होंगे हजारों गम भी कम सा ना होगा साथी, होंगे हजारों गम भी कम सा ना होगा साथी, होंगे हजारों गम भी इंसान ना होगा साथी, होंगे हजारों बंदी इंसान ना होगा साथी। दुख ही हरने आया, दुख सब ये हरने आया, साई तेरी सिरड़ी में दीवाना तेरा आया, साई तेरी सिरड़ी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी सिरड़ी में दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी सिरड़ी में। और वो औरत मेरे बाबा की इतनी दीवानी हो गई, घर में बैठी चरखा काट रही है और काटती काटती क्या कह रही है, हाँ जी, सुन चरखे दी मिठी मिठी तू साईया मैनू याद होण गा, सुन चरखे दी मिठी मिठी तू साईया मैनू याद आ गा, साडे दिल विचों उठ
डीजे हूँ उड़ती हूँ सुन चरखे दी